नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, तो जी हाँ, यदि आपको इमिस्टर एमरजेंसी में या कुछ ज़रूरत है ज़्यादा पैसों की तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ऐसी कुछ स्कीम आई है वो जिसके बारे में आपको मैं अपडेट आज करूँगा और आपको जैसे कि मालूम है कि मेरे जितने अपडेट्स होते हैं वो 100% जेनविन होते हैं और एकदम इनोवेटिव आइडियाज़ मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत इनोवेटिव आइडिया लेके आया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो उसको अंत में लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस अभी शुरू करते हैं। तो गाइस अभी क्या है कि जैसे कि आपने देखा है, लॉकडाउन की वजह से जितनी भी फाइनेंस कंपनीज हैं, NBFCs हैं, बैंक हैं, HFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनका बिजनेस बंद हो गया है। और इस समय जैसा लॉकडाउन अभी कोरोना वायरस का चल ही रहा है, तो इनको कंपनीज को पता है कि नेक्स्ट एटलीस्ट 6 महीने तक हमारा बिजनेस इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये 6 महीने में कोई भी नया आदमी नया बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन लेने वाला नहीं है। तो गाइस अभी कंपनी कर क्या रही है, ये कंपनीज दे रही हैं ऊपर से पर्सनल लोन, अगर आपने लेके रखा है तो उसमें आपको टॉपअप, यानी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको टॉपअप दे देंगे। यदि आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो आपको कंपनी उसमें टॉपअप लोन देंगे, यानी आपके अकाउंट में सीधे आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा या फिर उनको बैंक को बोल देना पड़ेगा भाई मुझे टॉपअप लोन चाहिए, और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आपकी जो मकान के वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग सीधा 3 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाएगा और आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल चुकी है कि बैंक में कम से कम स्टाफ आएगा और कम से कम ग्राहक बुलाने हैं। तो ये सारे HFC, सारी NBFCs, बैंक अब जोर दे रहे हैं कि भाई मार्केट में तो मार्केट जो मार्केटिंग काम होता है वो तो हो नहीं पाएगा, तो हमको बैठे बैठाए अपने कस्टमर्स को पैसा देना है। और वो पैसा कैसे दे सकते हैं, सिर्फ पर्सनल लोन के नाम पे। जी हाँ, तो पर्सनल लोन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है, सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं इसमें कि आपका ऑलरेडी एक पर्सनल लोन चलता होना चाहिए जो कि रेगुलर हो, बिना बाउंस के, या एक आध बाउंस है वो पुराना होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए तो आप उसमें अप्लाई करिए तो आपको टॉपअप लोन मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा हो, मॉर्गेज लोन चल रहा हो, बिजनेस लोन चल रहा हो, तो भी आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक में बोल दीजिए कि भाई मेरे ऊपर से टॉपअप लोन चाहिए, मेरा ये एंड यूज़ है। तो यकीन मानिए 3 बैंक सब इसी का इंतजार करके सारी NBFCs कंपनीज बैठी हैं, तो आप लोगों को अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन का टाइम लेते हैं। और आपको ये बता देता हूँ कि ये 25,000 से लेकर आपको 10 लाख तक का, यानी आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको आपकी वैल्यू है मकान की, तो आपको 10 लाख तक का भी लोन इजीली मिल सकता है गाइस, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो गाइस अगर आपको लगता है कि भाई पैसों की ज़रूरत है और सच में ज़रूरत हो, मैं हमेशा कहता हूँ लोन तभी लो जब सच में ज़रूरत हो, शॉर्ट पूरे करने के लिए लोन कभी मत लेना। तो यदि आपको पैसों की ज़रूरत है किसी भी ज़रूरी काम के लिए तो आप यहाँ पे अपने बैंकों से कॉन्टैक्ट करिए, आपको जल्द ही लोन मिल जाएगा। तो गाइस मुझे लगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी चाहिए कि आप पर्सनल लोन के लिए कहीं 14-15-16% 18-20% में मत चले जाओ, आपने रिस्पेक्टिव बैंक से मिलो, वो कम रेट में आपको कम प्रोसेसिंग फीस में आपको लोन अवेलेबल करा देंगे। तो गाइज वीडियो लगता है आपको आता है पसंद तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो, दोस्तों ग्रुप्स में जितने भी व्हाट्सएप मैसेंजर ग्रुप हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, घर में रहना, सुरक्षित रहना, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद, वंदे मातरम।